शादी हो रही है। पूरे 2 साल से प्लानिंग चल रही थी मेरी शादी की, सो फाइनली आज वो दिन आ ही गया। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, जिसे मैं प्यार करती थी। हमारा 5 साल से रिलेशनशिप था और 5 साल के बाद फाइनली आज मेरी शादी हो रही है। 2 साल से हमारी शादी की प्लानिंग चल रही थी, रिलेशनशिप तो मेरा 5 साल से था, और मैं बहुत खुश हूँ आज कि फाइनली आज मेरी शादी हो रही है उससे, वरना मुझे तो लगा ही नहीं था कि घर वाले मानेंगे। मेरे दिमाग में बस यही डर था कि बस कैसे भी करके पापा मान जाए शादी के लिए, हमारे रिश्ते के लिए। पूरे 2 साल लगे उनको मनाने में मुझे, और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पापा इंटरकास्ट मैरिज के बहुत ज्यादा खिलाफ थे। पापा कभी इंटरकास्ट मैरिज के लिए रेडी नहीं थे, सो फाइनली आज पापा रेडी हो गए और मेरी शादी हो रही है उससे। आई एम सो एक्साइटेड, मैं बता नहीं सकती हूँ कि आज मैं कितनी खुश हूँ। वो भी उतना ही खुश है, मुझे पता है। और मैं पता नहीं रिश्तेदार तो क्या क्या बोलने वाले हैं, लड़की की मनपसंद शादी हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, मान कैसे गए। लेकिन भगवान बस आज सब कुछ ठीक रखना, बस शादी तक, बस एक बार शादी हो जाए उसके बाद तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाऊंगी। जो लोग नहीं भी मानेंगे वो भी मान जाएंगे। शादी सिर्फ मैं अपने पापा के लिए कर रही हूँ। इतना इमोशनल ब्लैकमेल किया है ना, जिसकी कोई हद नहीं है, मैं बता नहीं सकती हूँ। दिल तो कर रहा है कि भाग जाऊं इस शादी से, पर माँ बाप का दिल दुखा के कोई खुश भी तो नहीं रहता। क्या करूँ, ये शादी तो करनी पड़ेगी पापा की खुशी के लिए, पर मैं क्या बताऊ, मैं शादी नहीं करना चाहती अभी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं है इस शादी को, कैसे समझाऊ मैं पापा को। ऐसा करती हूँ भाग जाती हूँ। पापा का दिल नहीं दुखा सकती, पापा का दिल दुखा के भला मैं कभी खुश रह पाऊंगी? नहीं ना, और मैं ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोच सकती पापा का दिल दुखाने के बारे में। पापा को भी समझना चाहिए था मुझे उससे शादी नहीं करनी, मुझे अभी शादी ही नहीं करनी। मैं कैसे समझाऊं घर वालों को, ये शादी सिर्फ पापा मैं आपकी खुशी के लिए कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए, वरना मैं ये शादी जिंदगी में कभी नहीं करती। लेकिन बच्चों का दिल दुखा के सब खुश रहते हैं, मेरा क्या, कैसे रहूंगी मैं उसके साथ। मैं ये शादी नहीं करना चाहती, कैसे समझाऊं मैं पापा को। साथ कैसे रहूंगी मैं, लोग कैसे कर लेते हैं एक अनजान आदमी से शादी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। और मुझे समझ नहीं आता कि लोग एक अनजान आदमी से शादी कर कैसे सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आता लव मैरिज को लेके लोगों के माइंड में इतना सब कुछ होता है कि लड़की खुश नहीं रहेगी। एटलीस्ट अगर लव मैरिज अगर कोई करता है तो उसको हम जानते तो हैं अच्छे से, उसकी आदतें, उसके बारे में, वो कैसा है कैसा नहीं, उसकी फैमिली में सब लोग कैसे हैं। और एक अनजान आदमी से शादी करने का मतलब है आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, उसकी हैबिट के बारे में, वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, कुछ भी नहीं। लोग अरेंज मैरिज को इतना क्यों बढ़ावा देते हैं, कहते हैं कि अरेंज मैरिज में लड़कियां खुश रहती हैं। किसने कहा है अरेंज मैरिज में लड़कियां खुश रहती है? मुझे जो मेरा मानना है, मुझे लगता है कि अगर हम किसी लड़के को जानते हैं, उसकी फैमिली को जानते हैं, अगर हम जान पहचान करके उससे शादी करते हैं तो समझ में भी आता है एक दूसरे की पसंद नापसंद, क्या वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाएंगे। क्योंकि आज के टाइम में आपने देखा होगा कि वो उसके इतने सारे केसेस होते हैं। मुझे मतलब मैं इस बात को लेकर ना बहुत ज़्यादा मतलब इतना टेंस्ड हूँ ना कि मेरा शादी के बाद क्या होगा, क्योंकि मेरी एक शादी एक ऐसे इंसान से होने जा रही है जिसको मैं जानती तक नहीं हूँ। उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी फैमिली कैसी है, और पता नहीं वो मेरे साथ एडजस्ट कर पाएंगे नहीं, या मैं उनके साथ एडजस्ट कर पाऊंगी नहीं। मुझे समझ नहीं आता लोग कैसे कर लेते हैं एक अनजान आदमी से शादी। ओ गॉड, पता नहीं क्या ही होगा मेरा।
लड़का इज गुड, फैमिली इज गुड। मैंने ज्यादा बात नहीं की, घर वालों ने तो देखा ही है, तो सब ठीक ही होगा, अच्छा ही होगा घर परिवार। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैंने लड़के से ज्यादा बात नहीं की। अब मैं क्या ही बात करती उससे, घर वालों ने देखा है तो अच्छा ही देखा होगा, कुछ तो सोचा ही होगा उन्होंने, परिवार उनको अच्छा लगा होगा तभी किया है। नहीं, जैसे भी है जो भी, अब ठीक है। नहीं, हमने लड़के से बात नहीं की है, हमने अपने घर वालों पे छोड़ दिया था सब, जैसा उन्हें ठीक लगे वो वैसा करे। तो बताइएगा आप, टाइप्स ऑफ ब्राइड्स सबसे फेवरेट वाली कौन सी थी आपकी, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बाकी यार, इतनी ही मेहनत कर रही हूँ, वीडियो देख के चले जाते हो यार, यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अब इतनी मेहनत कर रही हो यार, एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, और शेयर भी कर दिया करो। कितना टाइम लगता है शेयर करने में, ज्यादा टाइम तो नहीं लगता। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी फेवरेट ब्राइड कौन सी थी। तो हम जल्दी ही मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ, सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर बिलो, कमेंट। बाय बाय, लव यू ऑल।